हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरे एक सब्सक्राइबर मेरे मित्र हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा कि कंपाउंडिंग की क्या प्रक्रिया है, कैसे कंपाउंड होता है। तो दोस्तों, पहले मैंने वीडियो में बताया था, थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। जब उन्होंने पूछा है तो मुझे इसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से देना होगा। दोस्तों शुरू करते हैं। मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशन चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि किसी ने भी कोई निर्माण बिना मैप के किया है, कहीं पर भी किया है, और उसका नोटिस आपके पास संबंधित अधिनियम के तहत आ गया है, क्योंकि तो हर स्टेट में अलग अलग एक्ट हैं, लेकिन प्रोसीजर सबका एक ही होता है। निर्माण रोकने का नोटिस किसी भी सेक्शन में अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा यूपी की, क्योंकि बनारस के अंदर भी मेरे किसी भाई ने पूछा था कि कंपाउंडिंग हम कैसे करें, हमने निर्माण कर लिया, अब हमारे पास नोटिस आ रहे हैं। यदि आपने नक्शाबाद नहीं कराया, यूपी में हो या उत्तराखंड में हो या पंजाब में हो, आपके पास नोटिस आता है, ठोका नोटिस, तो आपके पास कोई आधार तो है नहीं रिप्लाई देने का, बचेंगे कैसे? क्योंकि आपने प्लॉट पे ना अनुसारी कंस्ट्रक्शन किया है, आपके पास बचने का साधन नहीं है। बचने का साधन ये है कि आप कंपाउंडिंग कराएंगे उस कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर नक्शा पास करा के आपका नक्शा पास होने में आपका 1.5 से 2 लाख रुपये लगता, और फिर आपने फ्लैट अपना मकान या फ्लैट बना लिया है, तो उसमें जो पेनल्टी लग रही है 4-5-6 लाख रुपये लग रही है, तो ज़्यादा हो गया ना, उसमें नुकसान हो रहा है आपको। कंपाउंड तो हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड हर जगह नहीं होता है। अनऑथराइज कॉलोनियों में कंपाउंड नहीं होगा, अनऑथराइज कॉलोनियों में जब तक कंपाउंड नहीं होगा जब तक वो रेगुलाइज नहीं होंगे, किसी लैंड यूज के अगेंस्ट नहीं होगा, ग्रीन बेल्ट में नहीं होगा कंपाउंड। तो कंपाउंड के लिए तो यही है कि अगर कहाँ जहाँ पर आपने बना लिया और वो कंपाउंडेबल है, वहाँ पर उस एरिया में कंपाउंड हो रहा है, तो सीधे सीधे आप एक एप्लीकेशन आपको देनी है कंपाउंडिंग की, और मैप के लिए अनुरोध करना कि मैप इतने दिन में हम दाखिल कर देंगे। अभी सिस्टम चेंज हो गया है, पहले ऑफलाइन चलता था, अभी ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो आप अपने आर्किटेक्ट के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और कंपाउंडिंग की जानकारी लीजिए उसमें। तो कंपाउंडिंग में आपको सारी चीज दिखानी पड़ेंगी, आपको FAR दिखाना पड़ेगा, आपको सेटबैक दिखाना पड़ेगा, आपको रियर सेटबैक दिखाना पड़ेगा, फ्रंट सेट दिखाना पड़ेगा, और आपके जो आने जाने का मार्ग है प्लॉट के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर, उसकी पोच मार्क क्या है, कितने मीटर है चौड़ा है या कितने फुट चौड़ा है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा उसमें, और बायलॉज के अकॉर्डिंग ही फिर वो कंपाउंडिंग होगा। तो कंपाउंडिंग हो जाएगा। कंपाउंडिंग का प्रक्रिया मैं कैलकुलेशन एक दिन आपको बताऊंगा, पूरी कैलकुलेशन का प्रोसीजर बताऊंगा कैसे कैसे होता है। कंपाउंडिंग में आपका वही होगा, एप्लीकेशन फीस हो गई, और जो आपका डेवलपमेंट चार्ज है वो भी लगेगा, वो नक्शा पास कराएंगे तब भी लगेगा, लेबर चार्ज है जब नक्शा पास कराएंगे तब भी लगता, और इसके अलावा रोड कटिंग का और चीज़ों का चार्जेज हैं वो भी लगेगा, और कई चार्जेज इसके अंदर होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चार्जेज लगेंगे। बस नई चीज लगेगी तो एक पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, पेनल्टी अकॉर्डिंग टू लैंड, किस एरिया में है आपकी जमीन, वहां सर्किलेट क्या है, कॉस्ट क्या है, और आपने कितना जमीन पर कितना एरिया कवर किया है, आपने पार्किंग है या नहीं है, आपने बेसमेंट भी बनाया या नहीं बनाया, तो वो डिपेंड करता है। जब आप नक्शा पूरा तैयार कर लेते हैं, सारा नक्शा तैयार होने के बाद फिर कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल कवर्ड एरिया कितना है, ये आपका आर्किटेक्ट भी बता सकता है, या ये तो डिपार्टमेंट तो बताएगा ही संबंधित, चाहे वो नगर निगम है या नगर पालिका है या विकास प्राधिकरण है, जहां भी आपका एरिया लगता है वो कैलकुलेशन करके आपको बता देंगे। उसके बाद आपको मतलब अप्लाई करने से पहले एक चीज मैं बतानी भूल गया था, प्रोसीजर वही है उसकी, उसमें भी आपको ओनरशिप के भी कागज देने पड़ेंगे आपको, और आपको एफिडेविट भी देना होगा,
ओनरशिप में आपके लीज डीड भी चल सकती है, आपको गिफ्ट डीड भी चल सकती है, सेल डीड भी चल सकती है, ये सारे पेपर्स आपको देने होंगे, तो फाइल आगे बढ़ेगी। और म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर शहरी क्षेत्र में तो नगर निगम नगर पालिका से म्यूटेशन होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र में जमीन है तो तहसीलदार एसडीएम के थ्रू ये म्यूटेशन हो जाना चाहिए आपका। दोस्तों याद रखिएगा, एग्रीकल्चर लैंड ग्रीन बेल्ट नहीं होना चाहिए, वहां पर कंपाउंडिंग नहीं होगा। तो दोस्त तो जो सवाल कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग कैसे होती है, प्रोसेस मैंने बताया कि कंपाउंडिंग इस तरीके से होती है। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं, सेकंड थिंग। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कंपाउंड करा लिया, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों कंपाउंडिंग जो है आपका राइट नहीं है। कंपाउंडिंग के बाद भी डिमोलिशन हो सकता है, ये आपका राइट नहीं है। तो आप इसको अपना राइट ना समझें। यदि आपका कंपाउंडिंग हो गया तो सरकार उसको गिरा भी सकती है। तो एक आपने जो निर्माण किया, एक पेनल्टी है उसके अंदर। पेनल्टी कई तरीके की होती है, ये तो कंपाउंडिंग की हो गई। और यदि आप निर्माण जारी कर रहे हैं तो कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन भी जा सकता है। प्रोसिक्यूशन में भी 10-20 हज़ार रुपये जुर्माना लग सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रोसिक्यूशन जाता है यदि आप निर्माण जारी रखे में और अभियोजन यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसिक्यूशन दाखिल कर दिया है। मैंने दोनों चीज बता दी आपको, कंपाउंडिंग का बता दिया, प्रोसिक्यूशन का बता दिया। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, यदि आप कंपाउंड कराना चाह रहे हैं, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन देने से पहले, कंपाउंडिंग मैप दाखिल करने से पहले अपने आर्किटेक्ट से एक रफ एस्टीमेट बनवा लीजिए कि किसी का 2000 वर्ग फीट का प्लॉट है, कवर्ड एरिया उसके अंदर 5000 फीट कर लिया, तो उसकी पेनल्टी कितनी होगी? पता लगा आपने कर दिया और आप पे पैसा नहीं है, पेनल्टी लग गई, करीब पेनल्टी लगी 8-10 लाख रुपए लग गई, आप कहां से देंगे? आपने एडमिट कर लिया कंपाउंडिंग, डिमांड नोटिस भेज दिया, अब आपको टाइम दिया गया 1 महीने 2 महीने का जो भी, कि आप जमा कर दें। आप नहीं जमा करते तो फिर वो रिकवरी हो जाएगी आपकी, वसूली प्रमाण पत्र जारी होगा, अधिनियम जो है उसके अंदर प्रोविजन है, एक्ट के अंदर हर एक्ट में है जहां भी है प्रोविजन। अगर आपने कंपाउंडिंग एक बार कर लिया और आपने पैसा नहीं जमा किया, सब में है, फिर 10% एक्स्ट्रा जाएगा और कलेक्टर के पास ये आरसी भेजी जाएगी, रिकवरी सर्टिफिकेट। मान लीजिए 5 लाख का है तो 5 लाख का और लगा लीजिए 10%, वो और बढ़ जाएगा। और नहीं आप पैसे दोगे तो अटैचमेंट हो जाएगा, आपकी जमीन अटैच हो जाएगी, जो बिल्डिंग अटैच हो जाएगी उससे वसूला जाएगा। तो आज सारी चीज मैंने मिक्स करके बताई है, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप नक्शा पास करा के निर्माण करें। मैं आपका दुश्मन नहीं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आपको सही राय दे रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि आप निर्माण कर लीजिए हम आपको बचा लेंगे, वो सब गलत बोलते हैं। पैसा बहुत मुश्किल से आता है, इसलिए कंपाउंडिंग का प्रक्रिया मैंने बताई। आप पहले सारी, जिन लोगों को नोटिस आ चुके हैं, डिपार्टमेंट में जाइए पहले और वहाँ कंफर्म कीजिए और अपने आर्किटेक्ट से कंफर्म कीजिए, भाई यहाँ पर ये जो एरिया है जहाँ हमने निर्माण किया है कंपाउंड हो जाएगा नहीं हो जाएगा निर्माण? यदि हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन दीजिए और रफ एस्टिमेट बनवा लीजिए, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मेरा, मैं मतलब इस लायक हूँ कि मैं पैसा अथॉरिटी में जमा कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपकी बात समझ में आई, आपने वीडियो देखा, आप वीडियो देखेंगे और देख भी रहे होंगे, कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो देख रहे होंगे कौन सी, ये वाली नहीं, पहले जो मैं बोला है मैंने और वीडियो के अंदर उस बात की कर रहा हूँ, ये तो वीडियो अब देखेंगे आप। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उन वीडियो के सहारे आप अब जो फर्दर आपको प्रोसीडिंग करनी है वो करें, समझ जाएं और आपके खिलाफ कोई एक्शन किसी का ना हो, मेरी वीडियो से आपको राहत मिल जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों नमस्कार।